स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर दुर्गेश तिवारी। क्लास 11th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसका लेक्चर नंबर 1 हो चुका है और आज हमारी लेक्चर नंबर 2 थी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग मिल कहाँ पर रहे हैं, आरटी अकेडमी पर। अगर आप चाह रहे हैं कि वीडियो आपको कॉन्टिन्यू मिलते रहे, तो आपको क्या करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और आपको उसमें केवल मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो स्टूडेंट्स के लिए बायो भी होगी। तो चलिए आज लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज से। तो जैसे लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने प्रॉपर्टीज कुछ करी थी, उसके आगे कुछ प्रॉपर्टी है इसमें। तो जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, सबसे पहले वो लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, फिर लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे प्रॉपर्टीज आएगी, फर्स्ट हमारी आपको कुछ फॉर्मूले हैं। नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। और सेकंड नंबर पे आएगा हमारा टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। और थर्ड नंबर पे हमारी आइडेंटिटी आएगी इस तरीके से, sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। और ये एग्जिस्ट कहां पर करेंगे, सबसे जरूरी चीज तो ये। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये हमारा एग्जिस्ट करेगा -1 से 1 के लिए, ये एग्जिस्ट करेगा ऑल रियल नंबर के केस में, और यहां इस केस में आएगा -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞। अगर आप डोमेन में बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, इसको नहीं भी देखते हैं, तो भी इसकी कोई नीड नहीं है। अभी हम लोग बोर्ड लेवल में क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बड़े इजीली। इसका क्या प्रूफ देख लेते हैं, इसमें प्रूफ क्या है, इसको देख लेते हैं प्रूफ क्या है। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं, मैं एक प्रूफ आपको बता देता हूं उसमें। जैसे फर्स्ट केस के प्रूफ की बात करें, अच्छा इनवर्स में सबसे इजी बात यह है कि आपको कहीं पर भी इनवर्स दिखे आप उसको ए बी सी लेट करके सॉल्व करें, इजी लगेगा आपको। जैसे बात करें हम लोग साइन इनवर्स एक्स, तो मैंने क्या किया इसको साइन इनवर्स एक्स को ए लेट कर लिया। अच्छा इनवर्स जब एक साइड से दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स इक्वल साइन ए। अच्छा साइन को अगर मुझे कॉस में चेंज करना है तो अपने पास एक रिजल्ट है ना बेटा, क्या कॉस 90 माइनस ए साइन। अच्छा 90 के प्लेस में हम लोग को जनरली यूज करना चाहिए वैसे क्या रेडियन, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस ए तो क्या हो जाएगा साइन है। इस रिजल्ट को हम लोग यूज कर लेते हैं, इसको मैं क्या करता हूं कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए, कॉस इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2 माइनस। अच्छा ए की वैल्यू अपने पास है ना साइन इनवर्स एक्स, इसको पुट कर देते हैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स को हम लोग इस साइड कर लें तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2, और यही हमारा रिजल्ट हो गया। देखें इस रिजल्ट को जरा, यही हमारा रिजल्ट हो गया। इस चीज को ध्यान से देखें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, पाई बाई 2, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए क्या रिजल्ट लिखा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, यही तो मैंने प्रूफ किया है। बस आपको कुछ नहीं करना, साइन इनवर्स एक्स को क्या कर लिया मैंने ए, और एक्स जब साइन इनवर्स एक साइड से सेकंड साइड जाएगा दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा साइन, और फिर मैंने साइन को थोड़ा सा चेंज किया होगा। साइन के लिए मैंने क्या कर दिया कॉस 90 माइनस ए, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यही तो लिखा हुआ है। देखें इस साइड बड़ा कॉस जब इस साइड से शिफ्ट होगा तो ये क्या बनाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी ये क्या साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा हमारा
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई टू। अच्छा मैं एक और प्रूफ कर देता हूं उसमें, देखिए मैं इसको एक रिजल्ट और प्रूफ कर देता हूं आपके लिए। टैन इनवर्स एक्स साइन ए,
सबसे बेस्ट है कि आप ट्रायंगल फॉर्म कर ले, ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। साइन है अपॉन में कुछ नहीं तो बंद कर दें, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बाय द पाइथागोरस थ्योरम से बेटा अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस केस में अगर मैं कहूं कि कॉस ए की वैल्यू निकालो तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारा आ गया कि नहीं, इस रिजल्ट को ही तो मुझे प्रूफ करना था। अच्छा एक और बात, टैन के लिए बात कर रहे हैं सिर्फ सेम पार्ट में, तो टैन ए की अगर बात करेंगे टैन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आ जाएगा एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, टैन इनवर्स एक्स होल अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी रिजल्ट हमारा आ गया। आई होप अब सारे रिजल्ट अब आपको दिख रहे होंगे, एक रिजल्ट ये दिख रहा है, एक रिजल्ट ये दिख रहा है, और इसी को बोला जाता है कन्वर्जन। यही सेम चीज कॉस के केस में अप्लाई हो जाएगी टैन के केस में, तो मैं कॉस का भी एक केस लिख दे रहा हूं, आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टैन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में ये आपका रिजल्ट आ जाएगा एक्स। तो इस तरीके से बहुत सारे कन्वर्जन रहेंगे जो हम लोग रिजल्ट के रूप में यूज करेंगे, रिजल्ट भी है और ये आगे क्वेश्चन में भी यूज होंगे। तो चलिए इसी में आगे देखते हैं क्या आ रहा हमारे पास। अब यहाँ जो क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, अभी और भी हम लोग लेक्चर बनाएंगे एडीएफ के, उसमें और भी प्रॉपर्टीज लेंगे, फॉर्मूलेस लेंगे बहुत सारे, और क्लास 11th के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जनरली उनका ही यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आईडीएफ के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग के बोर्ड लेवल में जो क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ज्यादा डिस्कशन की नीड नहीं है, सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये लिखा हुआ टैन इनवर्स कॉस एक्स होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैं कुछ रिजल्ट आपके पास लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखें। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, टैन इनवर्स, देखिए टैन इनवर्स तो ठीक है आपका, इसको कॉस को हम लोग क्या साइन में चेंज कर सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और इसको भी अगर मैं चेंज करूं तो क्या लिख सकता हूं, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है ये रिजल्ट आ गया। अब कुछ फॉर्मूले मैं अभी आपको लिखने जा रहा हूं, जैसे साइन टू ए जिसका फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा ये तो साइन टू ए का ऊपर, यही सेम चीज अगर साइन ए आ जाए इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, तो यही सेम चीज कन्वर्ट हो जाएगी 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। इस रिजल्ट का हम लोग यूज कर रहे हैं, देखिए साइन टू ए तो क्या होगा 2 साइन ए कॉस, मतलब जो भी एंगल इस प्लेस पे है इस जगह उसका हाफ हो रहा है एग्जैक्टली, बस आपको ये ध्यान देना है रिजल्ट। अच्छा इसी तरीके से आप इस तरीको इसको देखें, कॉस एक्स cos x के टू फॉर्मूले भी मैं लिख रहा हूं, तो होते हैं जनरली फोर फॉर्मूले हैं, एक है आपका 2 cos इनवर्स x माइनस 1 और एक है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एक है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एक है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। या इस रिजल्ट को आप कुछ cos x के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब ये आपके रिजल्ट हो गए। इन्हीं रिजल्ट्स को यूज करके आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, टैन इनवर्स
अच्छा साइन टू ए के जैसे साइन ए का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला इसमें यूज कर ले हूं, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, टू साइन मतलब जो भी एंगल इसमें टू से डिवाइड कर दें, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू कॉस है, इस प्लस में पाई बाई फोर हो जाएगा, ये सेम रिजल्ट डिनोमिनेटर के लिए देख लें, वन को रिमूव करना है, वन प्लस टू कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू माइनस वन, ये वन एंड वन कैंसिल हो गया। अच्छा इसके तौर से फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लें, टैन इनवर्स टू साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू होल अपॉन टू कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। तो बेटा कॉस से कॉस वाले केस से आपका कॉस वाला एक पार्ट कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस आपको क्या मिल जाएगा टेन। मैं इस प्लेस में सॉल्व कर रहा हूं तो ये आपका हो जाएगा टैन इनवर्स टैन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। बड़ा हमको कल भी डिस्कस किया था कि अगर टैन इनवर्स टैन एक्स है तो वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स, बस ध्यान ये देना होता है कि एक्स जो है आपका वो ऑल रियल नंबर होना चाहिए, तो टैन के केस में इस तरीके की कोई नीड नहीं है अभी फिलहाल, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, और यही आपका क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, यही आंसर हो गया। इसको एक बार देख लें अच्छे से, ये बस फॉर्मूलों की आपको नीड होनी चाहिए, फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए क्लास 11 के, अगर आपको क्लास 11 के फॉर्मूले लर्न है तो आप बहुत इजी वे में आईडीएफ कर पाएंगे, और मैं एक क्लास जो नेक्स्ट लेक्चर दूंगा उसमें 11th के कंप्लीट फॉर्मूले आपको लिखाऊंगा डिटेल में, क्योंकि विदाउट फॉर्मूले आईडीएफ करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में, सेम वही क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करें और इसको एक बार सॉल्व करें, बाकी लोग इसको देखें एक बार। ये tan इनवर्स आपको गिवन है, क्या करेंगे इस cos को मैं sin में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, पहले sin पाई बाई टू माइनस एक्स वन माइनस cos पाई बाई टू माइनस एक्स। अब इसमें थोड़ा फॉर्मूला अप्लाई कर ले, tan इनवर्स 2 साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, होल अपॉन वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर ये रिजल्ट आपका बन जाएगा बेटा पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ये वन वन तो कैंसिल हो जाएगा आपका। इसके बाद का कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं क्या करना है, ठीक है। टैन इनवर्स तो आपके पास रिजल्ट है, ये न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है बेटा आपको टू साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू होल अपॉन। अच्छा ये क्या बचा हुआ अभी हमारा टू साइन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, टू साइन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ये साइन से कंप्लीट कैंसिल, टू से टू कैंसिल। अच्छा कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा बेटा इस बार, कॉट tan inverse cot of pi by 4 minus x by 2। अच्छा अब यहां पर ध्यान देने की हमें जरूरत है, अगर आउटसाइड tan inverse है तो इनसाइड भी क्या होना चाहिए tan, और इस प्लेस पे क्या है cot, तो इस tan को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं cot में कर सकते हैं, तो क्या कर लें इसके लिए tan inverse tan
पाई बाई टू माइनस इस रिजल्ट को लिखेंगे तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, तो टैन इनवर्स टैन पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, बेटा टैन इनवर्स टैन कैंसिल तो क्या मिल जाएगा हमें पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, यही आ गया हमारा रिजल्ट और यही हो गया हमारे लिए आंसर। तो आई होप ये फॉर्मूले को अगर आपने अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, फॉर्मूले अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे और ये इजी भी लग रहा होगा। केवल साइन एक्स का फॉर्मूला यूज किया 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और साइन ए का फॉर्मूला क्या यूज किया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। बस आपको कॉस के केस में ये याद रखना है कि 1 रिमूव हो जाए किसी तरीके से, 1 प्लस कॉस है तो आप यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस कॉस एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ आपके पास, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जो मैंने पहले ट्रिक सिखाई थी कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान हो तो आप कर पाएंगे इसको बहुत जल्दी। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आउटसाइड आपका इनवर्स है और इनसाइड अगर आपका फंक्शन है, या इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आउटसाइड अगर आपका फंक्शन है और इनसाइड इनवर्स है, तो आपको क्या कर लेना है, इनवर्स को ए लेट कर लो, ए लेट कर लें, बी लेट कर लें, सी लेट कर लें, इस तरीके से सिंपलीफाई किया जा सकता है। अब जैसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट उठाएंगे तो साइन ए हो गया और एक इसको बोला गया है कॉट इनवर्स एक्स को, तो कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास, चलो इसके लिए ट्राइंगल का यूज करें, जैसे कॉट है तो कॉट क्या होता है, जैसे टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उल्टा कर दो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका बेस परपेंडिकुलर। बट पाइथागोरस थ्योरम से बेटा ये आएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस केस में हमें जो वैल्यू चाहिए साइन ए की, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बस आपको ये ध्यान देना कि इस केस में जो एंगल यहां पे है वो ए यूज कर रहे हैं हम लोग, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन ए की वैल्यू आ गई आपकी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा था साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू में निकल करके आ गई, तो क्वेश्चन अब हमारा क्या बन गया, कॉस ऑफ टैन इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बाहर फंक्शन अंदर इनवर्स, इनवर्स को क्या लेट कर लें बी, पेन चेंज कर लेते हैं, चलिए इसके लिए इसको बी लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे लिए कॉस ऑफ बी। अच्छा बी लेट किसको किया है, टैन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टैन बी की जो वैल्यू है आपकी क्या हो जाएगी 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, जैसे आपके पास ये ट्रायंगल बना हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस केस में एंगल बी है, यहां परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो गया। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाले बेटा, इन दोनों को स्क्वायर करके यहीं पे ऐड करेंगे कि नहीं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये जो आपको वैल्यू मिलने वाली है ये क्या मिल जाएगी 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे वैल्यू किसकी निकालनी है हमको कॉस की, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये आ जाएगा हमारा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही तो रिजल्ट आपको प्रूफ करके लाना था, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही रिजल्ट हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको प्रूफ कर लिया। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ध्यान ये देना है कि आउटसाइड फंक्शन है इनसाइड इनवर्स, उसी रिजल्ट को लेकर के आपको यूज करना है और उसी तरीके से इसको क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है।
चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें आगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू है। अच्छा एक बात और बताएं आपको, जिस क्वेश्चन में आपको पाई बाई टू दिख जाए वो क्वेश्चन समझ लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको इसमें क्या करना होगा, आप एक पार्ट को किसी भी साइड शिफ्ट कर दो, इसको टैन या कॉट किसी भी एक को। इसमें हम क्या कर सकते हैं देखें ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाय टू माइनस टैन इनवर्स एक्स। अच्छा एक रिजल्ट है अपने पास क्या, कि टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पाई बाय टू। तो बेटा पाई बाय टू माइनस टैन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल ये रिजल्ट आपको दे देगा जाकर के कॉट इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स इस साइड आएगा तो क्या ये बनाएगा, साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। बड़ा बाहर फंक्शन अंदर इनवर्स, इनवर्स को क्या करेंगे ए लेट कर लें, तो एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगी साइन ए। बस इसमें एक चीज ध्यान देनी है आपको, ए लेट किसको किया ये देख लें, पहले तो ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर लें। तो पहले बात ए किसको लेट किया, ए के लिए लिख लेते पहले हम लोग, ए इक्वल टू है हमारा कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट ए की वैल्यू क्या है बेटा, यहां और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cos हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और पाइथागोरस थ्योरम से अगर इस रिजल्ट को निकाला जाए तो ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अच्छा यहां वैल्यू किसकी साइन है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आ जाएगा x इक्वल 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। यहां बेटा हम कर दें स्क्वायर तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। भाई स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो आपको रिजल्ट मिलेगा बेटा x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 1, इस साइड ले लो बेटा इसको। अब इसमें हम लोग यूज कर लेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो भी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। आप चाहें इसमें क्या करें, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल, तो ये रिजल्ट आपका दे देगा जाकर के ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस वन प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल अपॉन टू ए। ए की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू, और ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। अब आप बेटा खुद सोचो, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कभी नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता एक्स स्क्वायर, इसलिए आप दोनों तो माइनस के साइन ले नहीं सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव है नहीं। जब दोनों नेगेटिव ले नहीं सकते तो एक पार्ट क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो क्या करते हैं आप, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू, तो यह हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वन प्लस रूट फाइव। इस साइड शिफ्ट करें तो क्या बन जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू रूट फाइव। टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट फाइव। और यही तो आपको प्रूफ करके लाना था, यही यही फाइनल रिजल्ट था हमारा, 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू रूट 5। तो आप खुद देख रहे हो कि जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल में आपको सॉल्व करना है बस। केवल एक क्वेश्चन ये दे रखा है, tan ऑफ 1 बाय 2 साइन इनवर्स 3 बाय 4, मैंने अभी बता रखा है आउटसाइड फंक्शन, अंदर इनवर्स, इनवर्स को कैलकुलेट करना है a। ये आ जाएगा बेटा हमारा tan 1 by 2, तो as it is ये a आ गया, तो ओवरऑल हमें tan a by 2 की वैल्यू भी नीड है। तो अच्छा a लेट किसको किया है, a लेट किया हम लोगों ने बेटा sin inverse 3 by 4 को, तो sin a की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
3/4। अब हमें साइन ए की हेल्प से टैन ए बाई टू की वैल्यू निकालनी है, तो क्या अपने पास कोई ऐसा फॉर्मूला है साइन में जिसमें टैन आता हो? डेफिनेटली है, वो मैं लिख देता हूं आपके लिए। साइन टू ए का फॉर्मूला होता है बेटा 2 tan a upon 1 plus tan square। तो साइन ए का क्या हो जाएगा? 2 tan a by 2 whole upon 1 plus tan square a by 2। तो इसी रिजल्ट को हम यूज कर लेंगे जो नीचे लिखा हुआ है, 2 tan a by 2 whole upon 1 plus tan square a by 2 इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इसको, 8 tan a by 2 इक्वल 3 plus 3 tan square a by 2। और इसको बेटा हम क्या करें, वन साइड करें, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 3 tan square a by 2 प्लस, प्लस तो नहीं, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 tan a by 2 इसको अब आप फैक्टराइज कर सकते हैं, इसके फैक्टर इजीली हो सकते हैं। तो कैसे करेंगे फैक्टर? अच्छा एक चीज देखिए, 3 3 9 और ये 8 आ रहा है, यानी फैक्टर नहीं हो पाएंगे, इसके से फैक्टर नहीं हो पाएंगे। अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे तो हम क्या करें, इसमें सीधा फॉर्मूला यूज कर लें। तो सीधा फॉर्मूला के लिए क्या करें, tan a by 2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी होल अपॉन 2a। तो यहां से जो रिजल्ट हमारा निकल करके आ रहा है tan a by 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 प्लस माइनस, अच्छा जो बड़ा ये 64 है और ये 36 है, ये रिजल्ट आपको देगा 28 डिवाइड बाय 6। अच्छा 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को लिखा जा सकता है 4 into 7। और 4 का अगर आप रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 8 प्लस माइनस 2 root 7 डिवाइड बाय 6, 2 से कैंसिल करूं, 4 प्लस माइनस, अब डिपेंडेंसी इस बात को लेकर के है कि प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला लेना है कि दोनों लेने, इस बात को मैं आपको बता देता हूं। अच्छा एक चीज देखो बेटा, ये हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स, तो हमें ये पता है कि साइन इनवर्स की जो भी वैल्यू रहे होगी वो क्या होगी, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के तो इनसाइड ही होगी और ऊपर से 1/2 भी लगा है, तो फिर हम लोग भी लगा लेते हैं 1/2 इनटू 2, यानी कि जो इस बार जो इनसाइड आपको पार्ट दिख रहा है इसका जो एंगल है वो माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 है। तो जरा अगर इसमें हम लोग टैन अप्लाई करें, टैन माइनस पाई बाई 4 लेस और इक्वल टू टैन ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/4 टैन ऑफ पाई बाई 4, तो tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू -1, यानी कि -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। तो अगर आप प्लस वाला ले लोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से ग्रेटर, तो आपको माइनस वाला ले लेना है, तो क्या आएगा 4 minus root 7/3 और ये आ जाएगी आपकी tan a by 2 की, और यही हमारे लिए हो जाएगा रिजल्ट हमारा, यही क्या हो जाएगा हमारे लिए हमारा रिजल्ट। तो आप इस टाइप के जो क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं लोगों को, मैंने आपको बहुत सिंपल वे में इसको करा दिया, बस आपको क्लास 11th के जो फॉर्मूले हैं वो आने चाहिए। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है हम लोगों का कंप्लीट है।
आईटीएफ का एक नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या कर लेना है, वीडियो के चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाते रहें। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे आईटीएफ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।